सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रूठो बेशक अपनों से, लेकिन मनाने पर मान जाओ। अपने तो आखिर अपने हैं, ये बात तुम जान जाओ। होती है गलती गलती से, गलती ना की हो जिसने, कभी सामने वो इंसान लाओ। अक्सर टूटने पर पता चलती है अहमियत, अनमोल दिल के रिश्ते को पहचान जाओ। बजती है ताली दोनों हाथों से, ये वसूल है दुनिया का, सम्मान दो सम्मान पाओ। हाथों की लकीरों से ज्यादा हाथों पर भरोसा किया करो। नसीब कुछ दे या ना दे, मगर हाथ से की गई मेहनत दो वक्त की रोटी जरूर देगा। आज का पंचांग 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:46 से 3:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 6:38 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार, आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत का ख्याल रखें। घर में आपका जीवन अभी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नजरअंदाज, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिली। कार्य में आपको जो पहचान मिल रही है उनका मजा लें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस पल की प्रतिष्ठा का स्वाद लेना ना भूलें। कुछ खास बनाने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शुभ है। अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपको प्रेरित करेगी। अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखें। सफलता तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। सफल होने के लिए आपको सही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। बहुत ज्यादा खाने से बचें और अपने वजन पर नजर रखें। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। प्यार मेलजोल और आपसे जुड़ाव में बढ़ोतरी होगा। अगर अपनी लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभाव को जांच लेना चाहिए। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रही हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का पता ही नहीं चलता और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब आदतें भूल जाएंगे और आज का भरपूर लुत्फ लेंगे। इस राशि के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसकी आपने ख्वाहिश रखी है। सफलता और भाग्य उन्नति के रास्ते प्रबल हो रहे हैं। युवा वर्ग भी कोई उपलब्धि हासिल करने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे। सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है। पुरानी बातों को छोड़ते हुए जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। जिन वस्तुओं का आपने इस्तेमाल कई दिनों से नहीं किया है उन्हें दान देकर दूसरों की मदद कर सकती हैं। आपके द्वारा किए गए काम की वजह से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। पार्टनर का एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ने लगेगा, इस कारण अकेलापन दूर होगा। अगर हार्मोनल इनबैलेंस की तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार लें। आज आप अपने शत्रुओं को हावी नहीं होने देंगे बल्कि उनको परास्त करने में सफल होंगे। आज भाग्य का साथ मिलने वाला है। परिवार और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, उनका लाभ प्राप्त होगा। सावधानियां।
मन में अकारण ही कुछ बेचैनी सा तथा उदासी जैसी स्थिति रहेगी। सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें तथा फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखें। कहीं फंसा हुआ पैसा वसूल करने में दिक्कतें रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपने संबंध में खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी समय में आप अपने संबंध में खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तब भी आप पर गुस्सा होने के बजाय वे आपको वे समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। परेशानियों के कारण आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। चाहत में साथी की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है और इनका मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं। बहुत से प्रशंसा प्राप्त होगी। आपका जीवन रोमांस से भरपूर है और आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए उपयुक्त दिन है। पेशेवर मामलों को छोड़कर भावुकता आपके लिए प्रथम पायदान पर होगी। आप अब सिर्फ अपने पार्टनर की इच्छाओं के बारे में जानना चाहते हैं। इससे आप दोनों कामुक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बात करते हैं करियर की। सरकार और संबंधित एजेंसियां या बड़े निगम के साथ काम करने की आपकी अभिलाषा आज पूरी हो सकती है। आजीविका के नए और बेहतर तरीके मिलेंगे जिससे आपके प्रयासों की नई शुरुआत होगी। कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, बस अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। आप आज रोमांटिक महसूस कर सकते हैं और अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी यह समय अच्छा है। धार्मिक और अन्य पेशेवर मामले इस समय आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप खुद को उदासीनता से दूर करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जीवन में जितनी अधिक हो सके उतने संपर्क बनाएं। एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे उन्हें आपको छोड़ना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। व्यवसाय संबंधित किसी भी निवेश फंड आदि मामलों में सावधानी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि आप अपने आत्म विश्वास से हर सफलता का हल खोज ही लेंगे। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकती हैं। नौकरी में पब्लिक डीलिंग बहुत ही सावधानी से करें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। समय समय पर उचित आराम भी लेना आवश्यक है। आज के दिन आपके लिए कुछ अजीब सा रहेगा। ऐसी कुछ घटनाएं भी घट सकती है जिनके होने की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। यह महत्वपूर्ण रहेगा कि आप ग्रहों की स्थिति का ध्यान रखते हुए यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के इस मोड़ पर सही रास्ते का चुनाव कर पाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चुस्त दुरुस्त रहें और ज्यादा पानी पिए। आज आप केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।